सो हेलो गाइस, वापस एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कस्टम गेमर। आज हम फिर से खेल रहे हैं फैमिली टू 16। तो आज के इस वीडियो में हमें ख़रीदना है एक हार्वेस्टर, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी कुछ 5 लाख रुपए के आसपास। तो हमें हमारे पास 4 लाख के आसपास है कुछ। तो अभी अंकल जी जो थे उनका मैसेज आया था कि मुझे कर्नोला चाहिए, तो मैं उसके 1.5% से ज़्यादा पैसे दूंगा। तो फटाफट से मैं आप कर्नोला भर लेता हूँ अपनी ट्रॉली में और इसको अंकल जी ने कहा था बेकरी तक पहुंचा दो, तो मैं जाता हूँ बेकरी तक और इसे पहुंचा देता हूँ बेकरी पर। तो मैं मिलता हूँ सिर्फ आपको बेकरी पर। यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ बेकरी पर और यहाँ पे हमें इसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये खाली हो रहा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है कि अंकल जी 1.5% से ज़्यादा पैसे दे। तो हमें और दो तीन ट्रॉली लेके आने पड़ेगी, तब जाके कुछ 5 लाख के आस पास पैसे दे। तो फटाफट से चलते घर और वापस एक बार कर्नोला लेके आते। यहाँ पे अच्छा खासा कर्नोला पड़ा है हमारे स्टोरेज एरिया में, मतलब जो ग्रीन स्टोरेज होता है वहाँ पर। तो मैं आ गया घर पे और यहाँ पे ग्रीन स्टोरेज के नीचे मैंने लग रही है, यहाँ पे ग्रीन भर रहे जो कि अपना कर्नोला है, यहाँ पे फुल हो चुका है। और फिर से मैं जाता हूँ बेकरी पर, इसे फिर से बेच के जाता हूँ और रात भी हो चुकी है। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा बेकरी पे ही। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बेकरी पर और इसे फटाफट से ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, बस एक तो आखिरी ट्रॉली और हम अपना नया हार्वेस्टर ले सकते हैं। तो फटाफट से चलते और आखिरी ट्रॉली भी यहाँ पे अनलोड कर देते, जितना बचा कर्नोला था वो सब भी भेज देते। तो यहाँ पे ये 100% हो गए और अभी चलते हैं फिर से बेच देते इसे बेकरी पर। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर से बेकरी पर ही और फिर हम सीधा फाइल करेंगे एक नया हार्वेस्टर। तो अभी मैं आ चुका हूँ बेकरी पर और यहाँ पर इसे अनलोड कर लेते हैं और हमें हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 5 लाख के आसपास हो गया। तो फटाफट से अभी चलते हैं घर और इसे लगा देते हैं अपने घर के पास और एक हार्वेस्टर जल्दी से बाय कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ घर पे, इस ट्रॉली को यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको मैं अपने काम करने के लिए, बेलिंग करने के लिए इसे छोड़ देता हूँ वर्कर लगा के। तो यहाँ पे बेल बना रहा है अभी वर्कर पे लेके चलता हूँ, पता नहीं वर्कर कहाँ जा रहा है। चलो छोड़ो, अभी हम हार्वेस्टर बाय करने पर फोकस कर दें। तो यहाँ पे हमारा हार्वेस्टर है, तो सबसे महंगा वाला हार्वेस्टर ले लेते हम 4,60,000 का और इसका हेडर भी ले लेते 40,000 के आसपास का था कुछ, इसे भी ले लेते। और यहाँ ये रहा अपना ब्रांड न्यू हॉलैंड का हार्वेस्टर, सबसे महंगा वाला। ये पता नहीं वर्कर कहाँ जा रहा है इसको लेके, लेकिन छोड़ो हम इस पर फोकस करते हैं। तो क्या मतलब इसके आगे तो टायर नहीं, आगे इसके जो टैंक में जो पट्टे लगे रहते हैं वैसा कुछ है। और यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम बड़ा है। और मैं इसे अपने हेडर से जॉइंट कर लेता और चलता हूँ घर पे। और ये जॉइंट हो चुका है अभी, एकदम मतलब बड़ा बड़ा सा, उसके हेडर भी काफ़ी अच्छा सा बड़ा है। तो मैं मिलता हूँ सीधा आप लोगों से इसको ले कर घर पर। तो मैं घर के पास तो आ चुका हूँ और अपना जो फार्म है वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो इसे पहले अपने इसी फार्म के ऊपर स्ट कर लेते, इस क्रॉप के ऊपर, और इसे लगा देता हूँ मैं और हार्वेस्टर को थोड़ा पीछे करके इस हेडर के साथ जॉइंट कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जॉइंट हो चुका है और उसे एक परफेक्ट पोजिशन में ला के रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर अच्छे से आ चुका है, तो यहाँ पे परफेक्टली हो गया ये। और अपना पुराना हार्वेस्टर जो कि हमें गेम के स्टार्टिंग पे मिला था, इसे पहले तो मैं अच्छे तरह से धोता हूँ और इसके अंदर पेट्रोल भी फुल कर देता हूँ और फिर इसे
हम अपने शेड के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा उस सर्विस स्टेशन पे और यहाँ पे इसे फटाफट से धो लेता हूँ मैं अच्छे से। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन ये आखिरी बार धुल रहा है अभी। और ऐसा नहीं कि इस हार्वेस्टर को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे लेकिन ज़्यादा वो बड़ा वाले हार्वेस्टर अपना काम कर देगा तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर पेट्रोल भी फुल कर देते हैं अभी। तो पेट्रोल हो चुका है फुल और अभी इसे मैं लगा देता हूँ अपना जो शेड है वहाँ पे, क्योंकि इस हार्वेस्टर ने हमें बहुत साथ दी थी गेम के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आ गया है हम अपनी शेड की तरफ और इसे फटाफट से मैं लगा देता हूँ, इसकी पार्किंग अच्छे से थोड़ी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छे से पार्क हो चुका है और अपना नया वाला हार्वेस्टर है, इसको ज़रा चला के देखते, इसकी टेस्टिंग कर लेते क्या बढ़िया लग रहा है। मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये वाला हार्वेस्टर, मतलब ये 2-3 बारियों में ही मतलब पूरा खेत हार्वेस्ट कर सकता है ये, इतना बड़ा इसका हेडर है। बस 3 बार करना है और अपना एक फील्ड हार्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्पीड से काम कर रहा है और बहुत मतलब बोलते बोलते ही काम होते जा रहा है इसका। तो यहाँ पे मुझे इसको चलाने कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए लास्ट के लाइन रह गई मुझसे नहीं, तो वो परफेक्टली करता तो वो नहीं रहती। तो कोई बात नहीं, पहला टाइम था चलाने का, अच्छे से तो हो गया, मतलब बहुत ही कम टाइम लगा, मतलब बोलते बोलते ही हो गया। तो काफ़ी अच्छा हार्वेस्टर है। तो हमने नया हार्वेस्टर तो बाय कर लिया गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। I'm fine.